हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए बच्चों एक क्वेश्चन है। बच्चों ये आपका आईक्यू लेवल को भी इंक्रीज करेगा, आपके सोचने की शक्ति को भी इंक्रीज करेगा। बच्चों एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है जिसकी लेंथ 28 मीटर है और ब्रेथ 14 मीटर है। बात समझिए बच्चों, सेंटीमीटर या मीटर एक ही बात है। अब वो ये कहता है उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है और इस सेमी सर्कल जो है आप लोगों को इसका रेडियस भी पता करना है। आप पता कर सकते हैं फटाफट। तो ये जो शेडेड किया हुआ है पोर्शन रेड पेन से और ये जो ऊपर है इसका नाम है ए, इस शेडेड पोर्शन का टोटल एरिया ए कैपिटल ए, और इधर जो शेडेड है उसका एरिया बच्चों बी। तो उन दोनों के एरिया का बच्चों डिफरेंस निकालना है ना। तो अब हमारे पास सेट थ्योरी है, अब सिर्फ हमें एरिया वाले कॉन्सेप्ट से ही इसको यूज करते हुए निकालना है। अब इसको सोचो बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब आप लोगों को सोचना है, स्टॉप योर वीडियो और इस क्वेश्चन को जितना सोचेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। अब इधर देखो बच्चों, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी सी इसको नाम दे देते हैं बच्चों सी, ठीक है। तो कैपिटल ए प्लस सी इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें कभी कभी दिक्कत नहीं करता, वो हमें मालूम है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस भी हमें दिया हुआ है और हाइट भी हमें दी हुई है। तो बेस हमें क्या दिया हुआ है बच्चों ये बताओ, 28, वेरी गुड। और हाइट कितनी दे रखी है 20, हाइट कितनी दे रखी है 14। तो इसको हमने किया तो ये 14 आ गया, तो ये कितना आ गया बच्चों 196, ये एरिया हमारे पास आ चुका है। बात आई बच्चों समझ। अब बच्चों इधर देखो, इस सेमी सर्कल के अंदर ये सिमेट्रिकल है, क्या बच्चों ये सिमेट्रिकल है। ये देखो इधर मैं इधर बीच से गिराता हूं तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, ये दो रेक्टेंगल बन जाएंगे छोटे छोटे, वो सिमेट्रिकल बन जाएंगे। एक के ऊपर एक को ओवरलैप करोगे तो वो पूरा ओवरलैप कर जाएगा। अब यदि इस सेमी सर्कल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बी ओ सी आएगा या नहीं आएगा बच्चों, ऐसे ही पोर्शन बी ओ सी इधर भी बचेगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचने वाला है, 2b प्लस 2c, वो कैसे आएगा बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया माइनस सेमी सर्कल का एरिया। तो बात आई बच्चों समझ या नहीं। अब बात बताओ बच्चों मुझे कि सेमी सर्कल जो होगा उसका रेडियस क्या होगा बच्चों, उसका रेडियस ऑब्वियस है बच्चों, क्या रेडियस क्या नजर आता है आप लोगों को, 14 नजर आता है। रेडियस उसका कितना होगा 14, और रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम ही है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है बच्चों 28 × 14। और जो सेमी सर्कल है बच्चों उसका जो रेडियस, सेमी सर्कल का एरिया आप लोगों को मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वो हाफ हो जाएगा, क्या जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 28 × 14 आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है फटाफट, और पाई आर स्क्वायर हाफ, और ये जो पाई है और ये जो आर है बच्चों वो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। आ रही बात समझ, ठीक है। तो ये आप करो बच्चों, ये कितना आया बच्चों 14 × 28, 392 आ चुका है, और ये आपका 196 का आधा कितना होता है बच्चों, इस पाई को 22/7 भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, × 14 × 14 × ½। तो ये आपका कट के आ गया बच्चों 7 इधर गया, 22 × 14 करके देखो कितना आता है 308, चेक कर लो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया बच्चों 84, कितना आया बच्चों 84। और इधर हमारा ए प्लस सी जो आया था बच्चों 2, हाँ जी ये देखो ये हमारे पास आया बच्चों 2b प्लस 2c जो है हमारे पास आ चुका है 84, ठीक है। और a प्लस सी जो था वो हमारे पास था 196, और b प्लस सी वो हमारा हो जाएगा 84/2, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 42। इट क्लियर। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई 10th की तरह, और अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को मालूम है, इसको माइनस कर दो, सी से सी चला गया, ए माइनस बी, और 196 में से 42 जाएंगे तो 4, और ये आपका 5 आ गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या है 154। अब बच्चों एक बार फिर दोबारा इस बात के ऊपर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। बच्चों एक रेक्टेंगल दे रहा हुआ था आपको पी क्यू आर एस, इसकी लेंथ दे रखी थी 28, ब्रेथ दे रखी थी 14, उसका एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक डायगोनल दे रखा था और वो एक सेमी सर्कल दे रखा था बच्चों। तो सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो बताओ बच्चों क्या होगा, 14 होगा, पक्की बात है।
अब बच्चों इस रेक्टेंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो बेस क्या होगा आपका 28, हाइट कितनी होगी 14, तो एरिया हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो एरिया निकाल दिया हमारे पास क्या आ गया 196। अब उसके बाद ये ए प्लस सी इसका नाम रख दिया था, अभी सेमी सर्कल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी प्लस सी इधर बचा हुआ है तो इधर भी कितना बचेगा बच्चों बी प्लस सी, मतलब ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से REC नहीं है, इसे रिकॉर्डिंग मत समझना बच्चों, ये रेक्टेंगल है ठीक है, रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो 392 आ रहा है, और उसको सॉल्व किया 30884 आ गया, तो ये 2 इधर कॉमन था तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया बच्चों 42। अब उसके बाद हमें ए प्लस सी बी प्लस सी उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ए माइनस बी हमारे पास कितना आ गया 154, इस तरह हमारे पास एरिया आ गया। थैंक यू वेरी मच।